यकीनन आप लोगों ने ईद कुर्बान, ईद जुहा खैर आफियत से मनाई होगी। मेरे कुछ दोस्तों का मंडी जाने का प्लान बन गया तो मैं भी इनके साथ रवा दवा हो गया। चलो, चलो, मंडी, चलो, चलो, चलो। जब हम मंडी पहुंचे तो दो दोस्तों को एक ही गाय बैक वक्त में पसंद आ गई और दोनों की औकात नहीं थी उस गाय को खरीदने की। तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई तुम दोनों मिलके जो है वो ये गाय को ना खरीद लेते और आधा आधा हिस्सा कर लो। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, वो ख्याल इस वजह से आया क्योंकि वो बच्चे थे बर्गर और माँ बाप थे कट्टर। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि तुम जो है वो अपनी अम्मी को फ़ोन कर लो और तुम जो है वो एक दोस्त को बोला कि तुम अपने अबू को कॉल कर लो और पूछ लो कि मैं अपने दोस्त के साथ हिस्सा डाल लूँ, और ये भी बता देना कि वो दोस्त किस मसलक से हैं और तुम भी बता देना कि तुम किस वो वाला दोस्त किस मसलक। अब जब उन्होंने फ़ोन किया तो क्या हुआ आप सुनिए। अबर कुर्बानी होने के बाद पता लगा कि कोई बेदीन बदमजहब आपकी कुर्बानी में शरीक था तो सारी कुर्बानी ज़ाया हो गई, दोबारा करनी होगी आपको। इसलिए जांच पड़ताल करके लोगों को कुर्बानी में शरीक किया जाए वो अपने मसलक के हों। पाकिस्तान के अंदर जो कुर्बानी अंजाम दी जाती है वो तीन तरीके से अंजाम दी जाती है, या तो स्टेटस सिंबल होता है, या फैशन ट्रेंड होता है, या बच्चों को खिलौना होता है। शायरला की तज़ीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी देना, तो ये तो बहुत दूर की बात है। बेहतरीन कुर्बानी तो ये थी कि इंसान को अपने अंदर का जानवर कुर्बान करना था, लेकिन अफसोस दर अफसोस फ़िरका परस्ती की आग यहाँ पर भी पहुँच गई। जबकि तमाम मुसलमानों का मकसद एक है कि कुर्बानी करके खुशनुदी खुदावंद मुताल हासिल करना, शायरला की ताज़ीम करना और उस अजीम याद को याद करना कि हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया गया था। जानवर को ज़िबाह करना तो सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन नफ़रतों को ज़िबाह करना सुन्नत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाज़ लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये फला मस्जिद का इमाम या रसूल अल्लाह मदद भी कहता है, नबी इंसान नहीं है, नबी नूर है। वो कह रहे हैं मैं साबित करूंगा कि अल्लाह ने नबी को इख्तियारात दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं जैसे जिब्रील को औलाद देने का इख्तियार है तो नबी को इख्तियार क्यों नहीं है। तो इतनी वाज़े बात अगर कर रहा है, और वो अगर जानवर ज़बह करेगा उसका गोश्त हमारे लिए मुर्दार होगा। कि अगर आप मसलन कुर्बानी कर रहे हैं ईद की, और उसमें आपने उस आदमी का हिस्सा रखा है जो हुजूर को नूर समझता है, हाज़िर नाज़िर समझता है, आलिमुल ग़ैब समझता है, कब्र पे सजदा करता है, किसी की भी कुर्बानी नहीं होती। कि आपने मुशरिक को शरीक कर दिया। अल्लाह के बंदे बस दुआ करो अल्लाह सबको हिदायत। कुर्बानी में अगर कोई बदअक़ीदा, बद मज़हब, वहाबी देवबंदी वगैरह शरीक है तो किसी की भी कुर्बानी सही नहीं होगी। और हिंदुस्तान के उर्फ में उनको देवबंदी वहाबी कहा गया, उनका अकीदा गलत है, लिहाजा उनका ज़बह किया हुआ जानवर हलाल नहीं है, लिहाजा उनका जानवर, उनका ज़बह किया हुआ जानवर का गोश्त हरगिज़ हरगिज़ न खाएं न लें।